क्योंकि हम हैं इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। भगवतपुर ब्लॉक की पहली महिला बनी ब्लॉक प्रमुख मालती देवी। प्रयागराज जिले के भगवतपुर विकास खंड में आज ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी से मालती देवी चुनाव मैदान में उतरी, तो वहीं सपा से मीना देवी प्रमुख प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत को आजमाया। भारतीय जनता पार्टी की ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी मालती देवी सपा की ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी मीना देवी को 60 मत हासिल करके एक तरफा मुकाबले में जीत दर्ज पटकनी देने में कामयाब रही। आपको बता दें कि नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख मालती देवी बहुत ही गरीब घर से आती हैं। उनके ब्लॉक प्रमुख बनने से क्षेत्र में खुशहाली की लहर दौड़ रही है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। ब्लॉक प्रमुख बनने पर मालती देवी ने समस्त कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्र की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। उन्होंने जनता से वादा किया कि क्षेत्र में चारों तरफ विकास करना ही उनका मूल लक्ष्य है। इस मौके पर राजू राय प्रभारी शहर पश्चिमी, बच्चा पासी अशोक पाल पूर्व प्रधान मीरापुर, राजू पाल पूर्व प्रधान अकबरपुर सल्लाहपुर, राजा राम भारती पूर्व प्रधान केशवपुर, सोनू सिंह कुशवाहा प्रधान भीकपुर मिड़वारा आदि लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज जिले से मोहम्मद शोएब की खास रिपोर्ट। पहली ब्लॉक प्रमुख बनी है भगवतपुर ब्लॉक की, आप क्या कहना चाहते हैं? आप हम क्षेत्र के विकास करना चाहते हैं, क्षेत्र के विकास करना चाहते हैं। तो कितना अंतर रहा है आप विपक्षी से, आप जीत का? कम से कम पूरे निष्पक्ष है एकदम चुनाव, समझ 65 वोट उठाए हैं। महिला ब्लॉक प्रमुख है आप और पहली भी है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है जी, कैसे करेंगे आप? विकास करेंगे, सबके सहयोग से, सबके सहयोग से विकास करेंगे। सिद्धार्थ माननीय सिद्धार्थनाथ जी और बीडीसी सदस्यों को, सभी को, क्षेत्र पंचायत सभी को, ब्लॉक के अंतर्गत समस्त ग्राम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्र में विकास करना, क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं। हम अपने क्षेत्र की जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को और समस्त बीडीसी और कुशल मार्गदर्शक हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी, उनके कुशल नेतृत्व से हम आज 60 मत हमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े, 69 मत कुल पड़े थे, 60 हमें मिले, 4 हमारे चार इनवैलिड हुए और शेष जो है विपक्षी को मिले। बहुत ही पेचीदा चुनाव होता है प्रमुखी का, विपक्षी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे, आप भी थे, कौन सी रणनीति आपको इस मुकाम तक पहुंचाई है? हमारे माननीय मंत्री जी के अब तक किए गए विकास कार्यों के प्रति उसी से हम लोग काम कर रहे थे और माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का ये जो सपना था सबका साथ सबका विकास, उसी नारे को लेकर हम लोग आगे बढ़े। प्रत्याशी के आपके जो है प्रमुख बन जाने के बाद जी, तो प्राथमिकता क्या होगी विकास को लेकर अगर बात करें तो? अभी वो माननीय मंत्री जी की तरफ से प्रत्याशी चयन के पहले ही वो तय कर दिया गया है कि सारे इस क्षेत्र के जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं वो सारे के सारे 71 वो ब्लॉक प्रमुख होंगे और वो सारे लोग सामूहिक निर्णय लेते हुए इस क्षेत्र का विकास करेंगे। अपना परिचय दे। मैं राजू राय सार पश्चिमी प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विकास सिद्धार्थनाथ सिंह जी विधायक, उन्होंने एक मालती देवी जी को अपने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सहयोग से प्रत्याशी बनाया। आज इनके बारे में जानकारी कर ले, ये कितने गरीब परिवार से हैं। जिस तरीके से विपक्ष ये भ्रम फैलाता है कि यहाँ पे जनसत्ता और सत्ता का उपयोग करते हुए यहाँ पे प्रशासन और मंत्री चुनाव लड़ रहे थे, वो कहीं लड़ाई में थे ही नहीं, उनका काम ही अफवाह फैलाना। एक गरीब व्यक्ति जो कि एक सब्जी विक्रेता है, ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, जो कि एकदम आप दीनदयाल जी के मार्गदर्शन पे चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इनको सम्मिलित करके कराया है। और यह क्षेत्र के विकास, अब हर गरीब का विकास, हर बीटीसी सदस्य का और जनता का जो है क्षेत्र के पूरे विकास होगा, इसमें कोई शक सुविधा नहीं। जिस तरीके से हम लोग ग्राम पंचायत के नीचे स्तर पे हम लोग विकास कार्य कर रहे हैं, इनका पूरा सहयोग बीडीसी मेंबरों के स्तर से लेके हम लोग चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 57 वोट से इस विशाल ऐतिहासिक विजयी इस भगवतपुर ब्लॉक के गठन के बाद प्रथम सिद्धार्थनाथ सिंह जी और माननीय योगी मोदी जी के नेतृत्व